हेलो स्टूडेंट्स, आइए सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th चैप्टर नंबर 4। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। इससे पहले हमने थर्ड चैप्टर को स्टडी किया। क्या था वो? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वहाँ पे हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होती है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होती है। लेकिन ये चैप्टर 4 है, इसका जस्ट आगे वाला स्टेप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 और हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी चैप्टर 2 में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। ऐसे नहीं, कैसे लिखी थी हमने, कैसे लिखते हैं इसको, पी एक्स पॉलिनोमियल इन एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल डिग्री 2, पी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब वहां हमने पढ़ा था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है किसका, पॉलिनोमियल का, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? आर रियल नंबर फॉर विच पॉलिनोमियल becomes zero, a real number for which polynomial becomes zero is called zeros of a polynomial. तो यहां तक polynomial की बात हुई। आप करते हैं बात किसकी, quadratic equation की, ठीक है, quadratic equation। When we equate a quadratic polynomial px to 0, मतलब px equal to 0, ठीक है, is called quadratic equation। पी एक्स इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आई, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अब इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी किस किस तरह की हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी स्टैंडर्ड फॉर्म थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल ले लें इसका, तो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। इस टाइप की कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली जाएगी। ओके, यहाँ कंडीशन ये रहेगी इसमें, व्हेन वी इक्वेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स टू जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। आप सेकेंड टाइप क्या हो सकता है इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। कैसे लिख सकते हैं इसको, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इक्वल टू जीरो, ये इसका एग्जांपल हो गया। थर्ड टाइप हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्या, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये भी इसके एक फॉर्म हो गई। और फोर्थ एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल लिया हमने तो क्या आया, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। तो ये पॉसिबल फॉर्म है, पॉसिबल क्या, यही फॉर्म हो सकती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ओके, तो यहाँ आपको समझ में आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे कहते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या ली हमने,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ बात करते हैं रूट। रूट क्या होता है? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। अ रियल नंबर ये सीधे लिख दो, रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा इज कॉल्ड रूट, अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ 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 पी अल्फा इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर पी एक्स इज इक्वल टू जीरो क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अल्फा को कब रूट बोलेंगे? जब पी अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? जीरो के इक्वल। ओके, और इफ अल्फा सेटिस्फाइज द इक्वेशन, ये भी वर्ड होता है, इफ अल्फा सेटिस्फाइज द इक्वेशन देन अल्फा इज कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन। ओके, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने होंगे? एट मोस्ट टू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? टू। तो डिग्री डिसाइड करती है कि नंबर ऑफ रूट एट मोस्ट कितने हो सकते हैं, जितनी डिग्री होगी। ओके, तो ये हुई हमारी बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ हमने रूट को भी समझा। रूट के बाद क्यूबिक इक्वेशन किसे कहते हैं? क्यूबिक इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ डिग्री थ्री, ठीक है, इक्वेशन ऑफ डिग्री थ्री इज कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर डिग्री क्या हो जाएगी? फोर, ठीक है, प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये है बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये है क्यूबिक फॉर्म, जो आपके सिलेबस से डिलीटेड है। इसके बाद किस पे आते हैं? रूट हमने समझ लिया, तो रूट के बाद आते हैं हम सॉल्यूशन। ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड हैं। नंबर वन फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर टू कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, नंबर थ्री क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड को हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि श्रीधराचार्य ने इस फार्मूला को ड्राइव किया था। ओके, तो फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, ठीक है। अब हर मेथड पर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? इस एक्सप्रेशन को, इस पॉलिनोमियल को इसके फैक्टर्स में लिख देना। कैसे लिखेंगे? इसकी जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करके। मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं? ये जो मिडिल टर्म है इसकी क्या है? थ्री। तो थ्री को हम उन दो नंबर्स में स्प्लिट करेंगे जिनका प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट होगा
माइनस टेन मतलब ये और मल्टीप्लाई ये, या यहाँ लिख लिए हम प्रोडक्ट होगा ए मल्टीप्लाई सी के इक्वल और सम होगा जिनका किसके इक्वल, बी के इक्वल। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ ए इंटू मल्टीप्लाई बी करूँ तो क्या आएगा मेरा, माइनस टेन और b की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री। तो ऐसे दो नंबर लेंगे जिनका प्रोडक्ट होगा माइनस टेन और सम होगा माइनस थ्री। ठीक, अगर प्रोडक्ट माइनस टेन आता है तो इसमें एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नंबर नेगेटिव होगा, तभी प्रोडक्ट हमारा माइनस में आ सकता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स ओके प्लस टू एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो। तो देखो यहाँ माइनस फाइव प्लस टू की वैल्यू क्या होगी, माइनस थ्री, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल होगी, माइनस टेन की। आप इसका ग्रुप बना लो, इसका ग्रुप बना लो, एक्स को ले लिया बाहर, एक्स माइनस फाइव प्लस टू और एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। पूरे में से एक्स माइनस फाइव को बाहर निकाल लो, क्या बचेगा यहाँ एक्स, और यहाँ क्या बचेगा टू इक्वल टू जीरो। ये स्टेटमेंट, ये फैक्टराइजेशन जीरो के इक्वल कब हो सकता है, जब इनमें से कोई भी एक जीरो के इक्वल होगा। क्लियर है? तो x माइनस फाइव को मैं लेता हूँ जीरो के इक्वल, x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो x की एक वैल्यू आ गई फाइव ओके। नाउ x प्लस टू इक्वल टू जीरो, x की एक वैल्यू आ गई माइनस टू। ये मेरा सॉल्यूशन रहा किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर टू लेते हैं इसी का। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर टू लेते हैं, टू में दिया है इन्होंने टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर टू है टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो वही मेथड, इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे किस में, जिनका मल्टीप्लाई होगा माइनस ट्वेल्व के इक्वल और सम होगा वन के इक्वल। तो टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर ओके। तो अब मैंने फैक्टर बना लिए, क्या पेयर बना लिए इसके और इसके, कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें से 2x। कॉमन लेने का मतलब है आपने इसको डिवाइड कर दिया है दोनों टर्म्स को। तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस टू माइनस थ्री, यहाँ क्या बचेगा x प्लस टू इक्वल टू जीरो ओके। आप ले लेते हैं x प्लस टू को बाहर, यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो और x की वैल्यू आ गई माइनस टू यहाँ से, और यहाँ से आ गई x की वैल्यू थ्री बाई टू। तो ये हुआ हमारा फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन। इसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं इसी मेथड से और फिर आते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पर ओके। क्वेश्चन है हमारा, आर टू डिजिट नंबर इज फोर टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। मतलब कोई टू डिजिट नंबर है वो अपनी डिजिट के सम के फोर टाइम्स है, एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स ठीक है, और प्रोडक्ट के ट्वाइस है, फाइंड द नंबर। सॉल्यूशन, टू डिजिट नंबर को हम ऑलवेज कैसे सपोज करते हैं, कैसे मानते हैं, लेट टू डिजिट नंबर इज टेन एक्स प्लस वाई। दो ही डिजिट होती है उसमें, एक वंस डिजिट होती है, एक टेन प्लस की डिजिट होती है। वन प्लस की डिजिट है वाई और टेन प्लस की डिजिट है एक्स। टेन एक्स प्लस वाई गिविन ये जो नंबर है टेन एक्स प्लस वाई, ये फोर टाइम्स है किसके, डिजिट के सम के। डिजिट क्या है आपके पास, एक्स एंड वाई ओके। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, टेन एक्स प्लस वाई इक्वल हो गया 4x प्लस 4y के, और 10x माइनस 4x इक्वल हो जाएगा 4y माइनस y के। यहाँ क्या बचा, 6x इक्वल हो गया 3y ओके, और 2x इक्वल हो गया किसके, y के। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। सेकंड कंडीशन आपको गिवन है कि ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, मतलब ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स के इक्वल है, मतलब 10x प्लस वाई इक्वल है किसके, 2xy के।
टू एक्स वाई के, क्लियर। अब यहाँ हम क्या करेंगे, वैल्यू रख देते हैं 2x की जगह क्या y, ओके। तो tan x प्लस वाई इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देते हैं 2x की जगह y, लेकिन x इज इक्वल टू वाई अपॉन टू, एक्स इक्वल टू वाई अपॉन टू। तो यहाँ tan इंटू वाई अपॉन टू प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 2x, टू मल्टीप्लाई वाई अपॉन टू इंटू वाई, क्लियर है। तो इंटू वाई, टू से टू कैंसिल, टू से ये कैंसिल, फाइव वाई। इक्वेशन क्या आई है हमारे पास, फाइव वाई प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर, और एक इक्वेशन बन के आ गई वाई स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई, ठीक है। अच्छा ये क्लियर हो गई यहीं पर, आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। 5y, 5y प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू होगी किसके, 6y के इक्वल, क्लियर। 6y, y से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6, ठीक है। यहाँ y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू क्या होगा, वाई अपॉन टू इक्वल टू 6 अपॉन टू इक्वल टू 3। तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 10x 36, ओके। अब आते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है भाई, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होगा, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो पहला स्टेप होगा मेक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इक्वल टू 1 बाय डिवाइडिंग ए, बाय डिवाइडिंग ए, ए से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। क्यों डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को हमें 1 लेके आना है, ए से डिवाइड कर दो तो इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। सेकेंड स्टेप में सी अपॉन ए को इधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इक्वल हो गया माइनस सी अपॉन ए के। आप ऐड कर दो क्या, एड बोथ साइड्स, बोथ साइड्स इसका हाफ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ ऐड कर देते, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के हाफ का स्क्वायर, एड बी अपॉन टू ए का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ओके। दोनों साइड ऐड कर दिया तो कुछ इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगी, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर माइनस ए। अब बी अपॉन ए को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई बी अपॉन टू ए इंटू एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, माइनस सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर, क्लियर। अब ये जो फॉर्मूला है ये एक आइडेंटिटी बन रही है, कौन सी, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, यहाँ मैंने एलसीएम ले लिया किसको, फोर ए स्क्वायर को, तो यहाँ क्या बचेगा, ए से ए कैंसिल हो गया माइनस फोर ए सी माइनस फोर ए सी, ठीक है, प्लस और यहाँ क्या बचेगा मेरा बी स्क्वायर, ओके। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इक्वल टू हो गया प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। अब इस टर्म को इधर ले जाइए, एक्स की वैल्यू आ जाएंगी, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। यहाँ मैंने इसका अंडर रूट ले लिया, इसका अंडर रूट लगाना था हमें, यहाँ मैंने इसका अंडर रूट ले लिया फोर ए स्क्वायर का और ऊपर वाली टर्म को रूट में ही छोड़ दिया। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, या पूरे के नीचे टू ए लग गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑल्सो। ये कौन सा मेथड कर रहे थे हम? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कहाँ पहुँच गए? क्वाड्रेटिक फार्मूला पर। तो दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑल्सो। ये क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्लियर? दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑल्सो। क्लियर है? ये हुआ आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, दोनों ही इसमें मिक्स हो गए। आप कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक और टॉपिक इसमें बचा हुआ है, वो है नेचर ऑफ द रूट्स। ओके, तो अभी हमारा इसी क्वेश्चन में जो टर्म आई थी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, क्या टर्म आई थी हमारी? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमको नेचर ऑफ रूट बताता है। इट इज डिनोटेड बाई डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, नंबर वन, नंबर फर्स्ट, इफ डी, इफ द वैल्यू ऑफ डी इज ग्रेटर देन जीरो देन रियल रूट, रियल रूट मतलब रियल नंबर, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल रूट होंगे और अलग अलग होंगे। ठीक है, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो। नंबर सेकंड, अगर डी की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है तो रूट हमारे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो है तो रूट रियल होंगे और सेम रूट होंगे। ओके, वही वैल्यू होगी। नंबर थर्ड, डी की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो है, मतलब डी की वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है तो नेगेटिव का हम स्क्वायर रूट अभी नहीं निकाल सकते, इलेवंथ वाले चैप्टर में निकालेंगे। डी इज स्मॉलर देन जीरो देन कैसे रूट होंगे हमारे? इमेजनरी रूट, नो रियल रूट। कैसे रूट होंगे? इमेजनरी रूट। क्लियर? ये हुआ आपका नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से अगर हम पहले बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू देख लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये इक्वेशन सॉल्व होगी या नहीं होगी। ओके, इक्वेशन क्वेश्चन लिया हमने 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको c को इधर लेके जाएंगे, तो 2x, सॉरी, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कोएफिशिएंट को क्या करेंगे 1 के इक्वल, तो डिवाइड बाय 2। सबसे पहले डिवाइड करेंगे इसको हम 2 से, डिवाइड बाय 2। इफ दिस कोएफिशिएंट इज ऑलरेडी इक्वल टू 1 देन नो नीड टू डिवाइड इट। तो डिवाइड बाय 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। नाउ शिफ्ट द टर्म c फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 2x इक्वल टू माइनस 3/2। ओके, अब ऐड बी अपॉन 2 का स्क्वायर, ऐड बी अपॉन 2 का स्क्वायर। तो बी अपॉन 2 क्या है यहाँ? माइनस 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 4, ठीक है, होल स्क्वायर। ऐड करते हैं दोनों साइड्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू
माइनस सेवन बाई फोर एक्स प्लस माइनस सेवन बाई फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू प्लस 49 बाई 16। क्लियर। अब एक्स स्क्वायर ये क्या हो गया, x माइनस सेवन बाई फोर का होल स्क्वायर, x माइनस सेवन बाई फोर का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको हमने क्या लिया, एलसीएम ले लिया 16, तो यहाँ क्या बचा माइनस 24 प्लस 49 इक्वल टू 25 बाई 16। क्लियर है। अब x माइनस सेवन बाई फोर इक्वल टू किसके हो गया, प्लस माइनस 5 बाई फोर। क्लियर। तो x की वैल्यू क्या आएगी निकल के, 7 बाई फोर प्लस माइनस 5 बाई फोर, मतलब एक बार हम x इसको प्लस करेंगे, 7 बाई फोर प्लस 5 बाई फोर इक्वल टू 12 बाई फोर इक्वल टू 3, और दूसरी बार हम क्या करेंगे, 7 बाई फोर माइनस 5 बाई फोर इक्वल टू 2 बाई फोर इक्वल टू 1 बाई टू। इस तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। ओके।